वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में बताया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयास से आज मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बहुत ही अच्छी है। डेटाबेस बताते हुए कहा, 7,257 प्रकरण नए आए हैं, 12,062 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 86% है। टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है। संक्रमण की दर घटकर 10.52 पर आ चुकी है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, गुना और शिवपुरी में भी संक्रमण की दर बहुत कम हुई है। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर पहुंचकर समीक्षा करेंगे। वहीं गृह मंत्री ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर कहा, अभी फिलहाल चर्चा कर हम इस बारे में फैसला करेंगे। कोरोना पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकारों के प्रयास के बाद नियंत्रण में आता जा रहा है। मध्य प्रदेश में की वर्तमान और आज की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो 7,257 प्रकरण ऐसे हैं जो नए आए और 12,062 ऐसे मामले हैं जो ठीक होकर के अपने घर गए हैं। आज मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 86% हो गई। संक्रमण की दर भी घटते घटते अब हम 10.52 पर आ गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में हम अपनी टेस्ट करने की क्षमता को रोज बढ़ा रहे हैं। कल जो हमने टेस्ट किए वो 68,000 से ऊपर थे। उस 68,000 में से हमारी जो संक्रमण दर है वो 10% के आसपास आई है। हमारी अगर हम देखेंगे तो जो होम क्वारंटाइन लोग थे 85% लोग घरों में ठीक हुए हैं। होम क्वारंटाइन जो 98% लोगों से प्रतिदिन हम घर पर संपर्क करते हैं, 98% लोगों को हमने किट उपलब्ध कराई है। प्रतिदिन डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराया है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर के जिले ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्वालियर आके इनकी समीक्षा करने वाले हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे दतिया की दर कल से आज फिर गिरी है, हम 8 पे आ गए हैं घटते हुए। कभी हम 48 थे, आज 8 पर आए हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो शिवपुरी में आज हम 9.4 पर हैं, ग्वालियर में भी हम 9.4 पर हैं। ऐसे लगातार हम संभाग के अंदर भी जो भयावहता थी उससे उबरते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर किल कोरोना अभियान ये लगातार हमारा जारी रहेगा। लगातार परीक्षण हमारे जारी रहेंगे और इसी स्पीड पर हम सैंपल लेने का गति हमारी जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ 5% के नीचे किल कोरोना आता जाएगा वहाँ ताज़ा हालात पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बातचीत और उनकी राय लेकर के फिर इसके बारे में जो जन कोरोना कर्फ्यू है इसके बारे में विचार होगा। डॉक्टरों के, पैरामेडिकल स्टाफ के, नर्सिंग स्टाफ के, सरकार के प्रयासों की वजह से, मुख्यमंत्री की सतत मॉनिटरिंग की वजह से और पीताम्बरा माई की वजह से।